हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी कल से बेटर है। वो तो आपको मेरा चेहरा देख के ही लग रहा होगा, कल से मैं बेटर कंडीशन है। ऐसे मैं उन सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरा कल का ब्लॉग देखा और फिर अपना टाइम निकाल कर मुझे रेमेडीज शेयर किए। तो उन सब के लिए बहुत 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 थैंक यू। मैं उनमें से हर एक रेमेडी को ट्राई करूँगी और होपफुली कोई ना कोई रेमेडी तो मेरे काम आ ही जाएगी। तो उन सब के लिए थैंक यू। तो आगे चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं और क्या बनाने वाले हैं। आज के क्राफ्ट वीडियो में हम जो टीन के कंटेनर्स होते हैं ना, जैसे अमूल स्प्रे हुआ, लैक्टोजेन हुआ, या बहुत सारे जो हमारे पास टीन के कंटेनर्स आते हैं ना, तो उन सब से हम कुछ बनाएंगे। एक्चुअली आज ही नहीं, रेगुलर मैं अराउंड 3-4 डेज मैं आपको टीन से अलग अलग टाइप के प्लांटर्स जो अभी ट्रेंड में है वो सारे प्लांटर्स, देन होम डेकोर, वो मैं आपको आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो रेगुलर वीडियोज देखते रहना, नहीं तो फिर आप मिस कर जाओगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम ये वाटरिंग कैन बनाएंगे। देखो ये वाटरिंग कैन है, इसमें मैंने ऐसे तो प्लांट रख दिया है बट आप चाहो तो इसमें फ्लावर्स अरेंज कर सकते हो। देखो कितना सुंदर सा है। इसको मैंने जो अमूल स्प्रे का जो कंटेनर्स आते हैं ना उनसे बनाया है। अच्छा लग रहा है ना? तो आज हम इसको बनाएंगे। तो बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल वे में बनाऊंगी मैं और होपफुली आप सबको अच्छा लगेगा और आप लोग जरूर इसे ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम सबके घर में बहुत सारे टीन होते हैं ना, तो उनका कुछ तो रीयूज़ करें। और ये बहुत हार्ड होता है, स्टर्डी होता है, एंड ये आप एक बार बना लिए तो ये आपका रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने बनाया फिर ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये आपका रह सकता है, मतलब कंटिन्यू रहेगा। इसका जो मटेरियल है वो हार्ड है तो ये ख़राब होने वाली चीज़ तो है नहीं। तो चलिए हम इसी से कुछ अच्छा सा बनाते हैं और कंटिन्यू अभी मैं 3-4 दिन इसी ऐसे ही टीन के कंटेनर्स से बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे टीन के कंटेनर्स जमा हो गए। तो मैंने सोचा उसी पे कुछ वीडियोस मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कैसे पुराना कोई भी कार्डबोर्ड, जो पतला सा कार्डबोर्ड होता है ना, वो लीजिए और उससे आपको एक कोन बनाना है। ये देखिए थोड़ा कार्डबोर्ड होगा तो वो थोड़ा कोन अच्छे शेप का बन जाएगा। तो आप लीजिए, और मैंने कॉम्प्लेन का बॉक्स लिया और उससे ये कोन बनाए। फिर मैंने इस कोन को मास्किंग टेप की मदद से अच्छी तरह से सिक्योर किया ताकि ये ओपन ना हो कभी भी। ये देखिए इस तरह से आप अच्छी तरह से मास्किंग टेप से चारों तरफ से इस कोन को अच्छी तरह से रैप कर दीजिए। और देखिए इस तरह से पूरा रैप कर दीजिए। देन उस कोन को मैं लेबल में कट कर रही हूँ, इस तरह से मैं उसे कट कर दूंगी। देन जो भी कंटेनर है उसमें मुझे लगाना है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं, मतलब मैं देख लूंगी कि किस तरह से कटिंग करने के बाद मैं उसे अच्छी तरह से फिक्स कर सकती हूँ अपने टीन के कंटेनर के ऊपर। तो वैसा ही मैं कट कर लूँगी। और आपको जैसे थोड़ा बहुत मतलब मैनेज करना पड़े, कटिंग करना पड़े, आप उस हिसाब से कट कर लीजिए ताकि आपका ये कोन अच्छी तरह से आपके कंटेनर पर फिक्स हो जाए। देन मैं ऐसे पतले वाले लंबे स्ट्रिप्स लूँगी, ये अराउंड 2 cm by 15 cm का स्ट्रिप्स है। 2 स्ट्रिप को लेकर मैं एक साथ में रख कर उसको मास्किंग टेप की मदद से अच्छी तरह से मैं रैप कर दे रही हूँ, ये देखिए इस तरह। देन मैं उस, इससे क्या होगा ना, इसको मैं हैंडल की जगह यूज़ करूँगी, जो मेरे टीन के कंटेनर है उसका हैंडल बनाऊँगी इससे। तो अब मैं हॉट ग्लू की मदद से इस हैंडल को और वो जो कोन हमने बनाया था फनल शेप का, उसको मैं इस टीन के कंटेनर पर स्टिक कर दूँगी, देखिए इस तरह से। और फिर जहाँ भी आपको गैप दिखे वहाँ आप
हॉट ग्लू की मदद से उस गैप को फिल कर दीजिए। देखिए जैसे मैं इस कोन के चारों तरफ हॉट ग्लू का एक लेयर लगा दे रही हूँ ताकि मेरा जो कोन है वो अच्छी तरह से फिक्स रहे। अब देखिए जहाँ जहाँ मैंने हॉट ग्लू का लेयर लगाया था वो सब अब अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। अब हम इस वाटरिंग कैन को पेंट करेंगे। मैंने पेंट करने के लिए चॉक पेंट का यूज़ किया है। आप अपने चॉइस ऑफ कलर में इसको पेंट कर सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ ना, फनल को थोड़ा क्या बोलूँ, कौन सा कलर है वो, इंग्लिश कलर टाइप का है, और जो बॉडी है उसको लाइट सी ग्रीन कलर में मैं पेंट कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह, आप अपने चॉइस में कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में इसे पेंट कर सकते हैं। अब ये पेंट पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब मैं इस वाटरिंग कैन के ऊपर थोड़े डिज़ाइंस बनाऊंगी। मैं क्या ना इस पर थोड़े फ्लावर्स पेंट कर रही हूँ। आप चाहे तो बर्ड या कोई भी पेंट कर सकते हैं, कुछ भी पेंट कर सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। मैं ये डिज़ाइन बनाने के लिए एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। अब मेरे फ्लावर्स रेडी हो गए। अब मैं ग्रीन एक्रेलिक कलर की मदद से पहले उसके स्टेम्स और लीव्स को पेंट कर दूंगी। देन मैं जो मिडिल पोर्शन है फ्लावर्स का, उस पर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर से मिडिल पोर्शन को पेंट करूंगी, क्योंकि मुझे ये फ्लावर्स थोड़े पॉपी फ्लावर्स जैसे बनाने हैं। ऐसे पॉपी फ्लावर नहीं है, मैं थोड़ा उसको अलग भी बनाऊंगी, बट हाँ मैं इसके लिए एक्रेलिक कलर्स का यूज़ करूंगी। जैसे अब मेरे स्टेम्स और लीव्स हो गए, अब नीचे थोड़े ग्रास बना रही हूँ। ये देखिए थोड़े ग्रासेस बना दिए और फिर ब्लैक एक्रेलिक कलर से फ्लावर्स के मिडिल पोर्शन को पेंट कर दिया। देन मैं वाइट एक्रेलिक कलर लूँगी और जो फ्लावर्स है उस पर थोड़े और डिज़ाइंस बनाऊँगी। आप टोटली अपने चॉइस ऑफ फ्लावर्स, चॉइस ऑफ कलर कॉम्बिनेशन में इसको पेंट कर सकते हैं। अब मेरे फ्लावर्स बन चुके हैं, स्टेम्स बन चुका है और लीव्स बन चुके हैं। अब मैं क्या सोच रही हूँ ना, एक दो बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई कुछ बना दूँ ताकि ये जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट हो जाए। इस तरह से मैंने एक सुंदर सा क्यूट सा बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई जो भी बोलिए वो मैंने बना दिए। और इस तरह से मैंने एक नॉर्मल अमूल स्प्रे के टीन के कंटेनर को एक वाटरिंग कैन में कन्वर्ट कर दिया। कैसा लग रहा है? तो कैसा लगा मेरा ये टीन कैन से बना हुआ वाटरिंग कैन? अच्छा है ना? और होपफुली आप सबको भी अच्छा लगा होगा और आप सब इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ट्राई करने के बाद मुझे ये ज़रूर बताना कि आप को ये कैसा लगा, आप जब इसे बनाए तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, कैसा, सब मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ, और तब तक आप मेरा वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए और हैप्पी रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वो बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आप मेरा वीडियो मिस ना करें और आपको साथ ही साथ मेरा वीडियो मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय।